अगली खबर में बात करते हैं कानपुर की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संदरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत रामू का दौरा कर ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का निचले स्तर पर जनता को लाभ मिल रहा है या नहीं इसकी समीक्षा की। इसके पश्चात भाजपा पार्टी कार्यालय में उप मुख्यमंत्री का पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म देश की सेवा के लिए हुआ था, वह साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ सबका विकास उन्होंने देश में करके दिखाया। 2024 में उत्तर प्रदेश में हम 80 में 80 सांसद जीतने जा रहे हैं। विपक्षी दलों का तेजी के साथ पतन हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता हमें अच्छे कामों का आशीर्वाद दे रही है। 66 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। इतना विकास पिछले 15 सालों में भी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने घर घर तिरंगा मोदी योगी के नेतृत्व में लगाया गया। देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया गया, जिससे पूरे विश्व में देखा एवं अंतरिक्ष से उसकी डिजिटल फोटो ली गई। जबकि कांग्रेसी सपा परिवारवादी पार्टी है, इनका मुख्य उद्देश्य अपने कुनबे को समृद्ध बनाना है। योगी सरकार द्वारा मुख्तार अंसारी जैसे खूंखार क्रिमिनल को उसके सही स्थान पर पहुंचाया। मुस्लिम समाज में चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा को मोदी सरकार ने खत्म किया। उसका नतीजा है एक भारी संख्या में मुस्लिम माताएं भाजपा का साथ दे रही है। धारा 370 राम मंदिर शौचालय जनधन योजना विकास योजना भारतीय जनता पार्टी द्वारा लागू की गई। भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति का विकास की प्राथमिकता पर काम कर रही है। कानपुर देहात में विकास संबंधी जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनको तेज किया जाएगा एवं नकारा अधिकारियों पर कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में कानपुर देहात में 100% सीटें जीतने का दावा किया है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, प्रतिभा शुक्ला, अजीत पाल, विधायक पूनम संखवार, अरुण पाठक, विनोद कटियार, राहुल अग्निहोत्री, जिला मीडिया प्रभारी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्ड दिया, मैंने कहा ये क्या है? एक माता जी ने तो बताया कि इसमें इलाज कराने की सुविधा है। एक माता जी ने कहा आशा बहू ने दिया है, आशा बहू ने दिया है। तुमने कहा क्या दिया है, कैसे दिया है? उन्होंने कहा वो आशा बहू जाने। लेकिन मैं आप सबको यहां बताना, जिनका आयुष्मान भारत का कार्ड बना है उनके घर में भगवान से यही प्रार्थना करके जा रहा हूं, पहले तो किसी घर में कोई बीमार ना हो। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे इलाज कराने के लिए कर्ज नहीं लेना है, जेवर नहीं बेचना है, खेत नहीं बेचना है। अब वो जाएगा किसी अस्पताल में,